विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ माँ के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी माँ के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि माँ की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग अपनी माँ के साथ या फिर उनकी फोटो के साथ पेड़ लगाने की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। हर कोई अपनी माँ के लिए पेड़ लगा रहा है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो कामकाजी महिला हो या गृहिणी। इस अभियान ने सबको माँ के प्रति अपना स्नेह जताने का समान अवसर दिया है। वो अपनी तस्वीरों को #plantformother और #ekpedmaankenaam इसके साथ साझा करके दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की अपील थी पर्यावरण के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को देश दुनिया ने पहले भी जन आंदोलन बनते देखा है। वो कहते हैं ना, किसी मुहिम को अगर आंदोलन का रंग देना हो तो नेक काम की शुरुआत खुद अपने हाथों से ही करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ ऐसा ही सपना साकार करने के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। अभियान का आगाज शानदार था तो अब ये अपने सही अंजाम की तरफ भी तेजी से बढ़ रहा है। साथियों, इस अभियान का एक और लाभ होगा, धरती भी माँ के समान हमारा ख्याल रखती है। धरती माँ ही हम सबके जीवन का आधार है, इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम धरती माँ का भी ख्याल रखें। माँ के नाम पैड लगाने के अभियान से अपनी माँ का सम्मान तो होगा ही होगा, धरती माँ की भी रक्षा होगी। पिछले एक दशक में भारत में सबके प्रयास से वन क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। अमृत महोत्सव के दौरान देश भर में 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर भी बनाए गए हैं। अब हमें ऐसे ही माँ के नाम पर पेड़ लगाने के अभियान को गति देनी है। प्रकृति का पोषण हमारे देश का आधार है। प्रकृति का संरक्षण और विकास साथ साथ चले, ये हमारे देश के मूल में हमेशा से ही रहा है। हमारा देश और इसकी महान सोच, जहां धरती को माता कहा जाता है और मानव जीवन के पोषण के लिए हमारी माताओं के बीच समानता दर्शाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के लोगों से अपनी माँ के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान के प्रतीक के रूप में एक पेड़ लगाने और धरती माता की रक्षा करने की संकल्प सिद्धि करने के लिए आगे आने को कहा। जब हमारे दृढ़ संकल्प के साथ सामूहिक भागीदारी का संगम होता है तो पूरे समाज के लिए अद्भुत नतीजे सामने आते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण है एक पेड़ माँ के नाम। ये अभियान अद्भुत अभियान रहा। जन भागीदारी का ऐसा उदाहरण वाकई बहुत प्रेरित करने वाला है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर शुरू किए गए इस अभियान में देश के कोने कोने में लोगों ने कमाल कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना ने लक्ष्य से अधिक संख्या में पौधारोपण कर नया रिकॉर्ड बनाया है। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 26 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए, गुजरात के लोगों ने 15 करोड़ से ज्यादा पौधे रोपे,
राजस्थान में केवल अगस्त महीने में ही 6 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। देश के हजारों स्कूल भी इस अभियान में जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं। साथियों, हमारे देश में पेड़ लगाने के अभियान से जुड़े कितने ही उदाहरण सामने आते रहे। किसी भी अभियान को अगर जन आंदोलन बनाना हो तो उस काम की शुरुआत कुछ अलग अंदाज में करने के लिए जाने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब स्वच्छ अभियान को जन आंदोलन बनाने की बात हुई तो उन्होंने हाथ में खुद झाड़ू उठाकर न सिर्फ एक मिसाल पेश की थी बल्कि उसका असर भी सबने देखा है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा ने हमें प्रकृति के साथ संघर्ष करना नहीं सिखाया है, प्रकृति के साथ सद्भाव से रहना है, प्रकृति के साथ जुड़कर रहना है। प्राकृतिक आपदा का बचाव प्रकृति के जरिए किस तरह से किया जा सकता है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के साथ इस वर्ष सितंबर तक 80 करोड़ और मार्च 2025 तक 140 करोड़ पेड़ लगाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए सरकार और समाज नीति का पालन करने के लिए आगे आ रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम एक ऐसी कोशिश है जो हमारी मातृभूमि और प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान और समर्पण को दिखाती है। इस अभियान का मकसद माँ के नाम पर एक पेड़ लगाना और एक स्थायी स्मृति बनाना है जो न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा बल्कि एक हरियाली और समृद्ध भविष्य के निर्माण में भी योगदान देगा। 18 अगस्त को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान में शामिल हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि अपनी माँ के नाम कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए ताकि इससे जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटा जा सके, साथ ही वातावरण भी बहुत शानदार होगा। वहीं 25 सितंबर को सीकर दौरे के दौरान भी उपराष्ट्रपति ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान में जुटने के लिए लोगों से अपील की। एक पेड़ माँ के नाम, इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, बहुत सोच कर की, क्योंकि ये बात साफ है हमारे पास धरती के अलावा रहने का कोई दूसरा स्थान नहीं है। ये बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा और माँ के नाम पेड़ लगाने से जो अनुभूति होती है वो एक विचित्र है। जिस भी कार्यक्रम में मैं जाता हूं मैं ऐसा करता हूं, मैं यहाँ के छात्रों और शिक्षकों से और कार्यरत लोगों से विशेष अनुरोध करूंगा कि 60 एकड़ से ज्यादा का जो प्रांगण है इसमें ये सब व्यक्ति अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाएं। पेड़ लगाकर उसका सर्जन भी करें और इसमें तकनीकी सहयोग भी संस्थाओं का ले लें कि कौन सा पेड़ यहाँ ज्यादा ठीक रहेगा और किस तरीके से इसका विकास हो पाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि पूरे देश में माँ के नाम एक पेड़ से क्रांति आ जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके सार्थक नतीजे निकलेंगे और खुद को बहुत जबरदस्त अनुभूति हासिल होगी। आज हमारे जो पृथ्वी है और जिस बुरी दशा में आज के दिन हम आज हैं, नहीं होते यदि अगर दीनदयाल जी के सोच उनके दर्शन को हम समझते। गांधी जी ने बहुत सही कहा था, द अर्थ हैज एवरीथिंग फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर ग्रीड। पर हम क्या देख रहे हैं कि जब भी मौका आता है हम हमारी आर्थिक ताकत को दिखा देते हैं। वी आर टू क्विक टू फ्लेक्स आवर फिस्कल मसल, कितना पेट्रोल उपयोग करूंगा, कितनी बिजली उपयोग करूंगा, क्या ये आपकी पॉकेट तय करेगी? आपकी धन की जो ताकत है वो आपको ये अधिकार नहीं देता कि आप इनका उपयोग चाहे जैसे करो। वी हैव टू डेवलप अ कल्चर ऑफ ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
कई और मौकों पर आयोजित एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने वृक्षारोपण के महत्व पर जोर देते हुए लोगों को इससे जुड़ने का आह्वान किया। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे ASITA पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत उपराष्ट्रपति ने अपनी माँ के सम्मान में एक पौधा लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य अपनी माँ के नाम एक पौधा लगाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करना, प्रकृति की रक्षा करना और स्थायी जीवन शैली की प्रतिबद्धता को दर्शाना है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के साथ इस वर्ष सितंबर तक 80 करोड़ और मार्च 2025 तक 140 करोड़ पेड़ लगाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज नीति का पालन किया जाएगा। ये पेड़ पूरे देश में व्यक्तियों, संस्थाओं, समुदाय आधारित संगठनों, केंद्र और राज्य सरकार के विभागों और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के पुनीत अवसर पर बुद्ध जयंती पार्क में एक पौधा लगाकर एक पेड़ माँ के नाम अभियान से शुरुआत की थी। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकसभा अध्यक्ष ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान देश में जन आंदोलन का रूप लेकर संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को नई दिशा देने का कार्य करेगा। इंदौर की धरती अपने आप में प्रेरणा की धरती है। ये धरती अपने आप सामाजिक कार्य के लिए प्रेरणा की धरती है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है और आने वाले समय के अंदर इंदौर भारत का सबसे हरा भरा शहर भी होगा। और दुनिया के लिए जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने का रास्ता भी मध्य प्रदेश से इंदौर से निकलने वाला है कि वह कार्बन क्रेडिट के अंदर एक नए विश्वास के साथ काम कर रहे हैं और आप सबको भी इसमें सहयोग करना है। लोकसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में इंदौर के लोगों ने 51 लाख पौधे लगाने का जो संकल्प लिया है वो पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है एक पौधा अपने माँ के नाम। जिस तरीके से माँ हमें पालती है, संवारती है, विचार देती है, संस्कार देती है, धरती माँ भी हमें पालती है, हमारी प्रकृति हमें पालती है और इस प्रकृति को संरक्षण रखने के लिए एक पेड़ लगाना है, उसका संरक्षण भी करना है और उस पेड़ को बड़े होते हुए अपनी आंखों से देखना है। जब आप पेड़ को अपनी आंखों से बड़े होते देखोगे तो आपको लगेगा कि मेरा पड़ा लगाया हुआ पेड़ समाज को पर्यावरण सुरक्षित रखने का काम कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख आयाम है और भारत में प्राचीन काल से ही लोगों और प्रकृति के बीच सामंजस्य रहा है। उन्होंने बताया कि हमारी संस्कृति और परंपराओं से हमें अन्य प्राणियों और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीने की सीख मिली है। आज दुनिया के अंदर हमारी सबसे बड़ी ताकत है तो हमारी युवा शक्ति है। हमारे ये युवा जन जिन्होंने नए इनोवेशन करने की, नए चिंतन की, नए सोच की, नए विजन का आत्मविश्वास है, यही हमारे लक्ष्यों को पूरा करेगा। मुझे आशा है कि उनका यह आत्मविश्वास, उनका यह संकल्प उनके लक्ष्यों को पूरा करेगा और हमारी ये नौजवान पीढ़ी
आने वाले समय के अंदर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 111वें एपिसोड में इस अभियान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए हर देशवासी से अपनी मां के प्रति सम्मान स्वरूप कम से कम एक पौधा अवश्य लगाने की मार्मिक अपील की थी। प्रधानमंत्री की उस मार्मिक अपील ने देशवासियों के दिलों को छू लिया और देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों के बीच अपनी मां के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति के रूप में पौधे रोपित करने की होड़ सी लग गई है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान भारत की स्थायी और पर्यावरण के प्रति जागरूक भविष्य के लिए प्रतिबद्धता को दिखाता है। पर्यावरण संरक्षण के आह्वान और माताओं के प्रति सम्मान की भावना के साथ यह पहल नागरिकों को एक ग्रीन प्लैनेट बनाने में अपना योगदान देने का अवसर प्रदान करती है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीपल का पौधा लगाकर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से शुरू की गई इस पहल का लक्ष्य मार्च 2025 तक 140 करोड़ पेड़ लगाना है। यह अभियान सरकार के साथ पूरे समाज की भागीदारी का विजन लेकर चल रहा है, जिसमें नागरिकों, समुदायों और स्थानीय प्रशासन को भारत के हरित अवतरण को बहाल करने के लिए एक ठोस प्रयास में शामिल किया गया है। इस पहल का उद्देश्य न केवल माताओं को सम्मानित करना है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक हरित और अधिक टिकाऊ भविष्य का निर्माण करना भी है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 14 जुलाई को इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। यहाँ एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बना है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे को जनता ने जन अभियान बना लिया है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की 130 करोड़ जनता का जो आह्वान किया कि इस वर्षा ऋतु में एक पेड़ मां के नाम ये अभियान को चलाया जाए, जब मोदी जी ने अभियान का सूत्रपात किया तब किसी को मालूम नहीं था कि अभियान एक नारा न रहकर आंदोलन बढ़ जाएगा। आज पूरे देश में हर व्यक्ति अपनी मां के नाम पर एक वृक्ष लगाकर अपनी मां को और धरती माता को दोनों को एक प्रकार से प्रणाम करने का काम करता है। एक पेड़ मां के नाम अभियान को बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, जिसमें अनेक राज्य तय सीमा से पहले ही अपने वृक्षारोपण लक्ष्य से आगे निकल चुके हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सितंबर 2024 तक एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 80 करोड़ पौधे लगाने के अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह लक्ष्य तय सीमा से 5 दिन पहले यानी 25 सितंबर 2024 को ही हासिल कर लिया गया। 12 से अधिक राज्यों ने सितंबर 2024 तक के लिए तय लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश में 1 करोड़ 74 लाख, असम में 3 करोड़ 17 लाख, छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 4 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। इसी तरह गुजरात में 15 करोड़ 5 लाख, गोवा में 5 लाख से अधिक, हरियाणा में 12 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया जा चुका है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब ने भी सितंबर 2024 तक तय लक्ष्य को हासिल कर लिया है। नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश ने मजबूत सामुदायिक भागीदारी के साथ सितंबर 2024 के लक्ष्यों को पार कर लिया है। इसके अलावा बिहार, केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम और उत्तराखंड ने भी अभियान की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी और तमिलनाडु मानसून के मौसम के हिसाब से अपनी वृक्षारोपण गतिविधियां कर रहे हैं। इस पहल को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय संचार मंत्रालय ने एक पेड़ मां के नाम ऐप की शुरुआत की है।
यह ऐप उपयोगकर्ताओं को अपनी माताओं के सम्मान में एक पेड़ लगाने और समर्पित करने संबंधी फोटो अपलोड करने, स्थान टैगिंग और कार्बन क्रेडिट ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। ऐप का उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने में सक्षम है। 22 सितंबर 2024 को जैसलमेर में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत प्रादेशिक सेना की 128 इन्फेंट्री बटालियन और पारिस्थितिकी कार्य बल इकाई ने सिर्फ एक घंटे में 5 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। इन प्रयासों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने विश्व रिकॉर्ड की मान्यता दी। टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।